आज हम सीखेंगे वीवो Y11 1906 मॉडल का पिन या पैटर्न को कैसे अनलॉक किया जाता है। ये मेरे पास एक वीवो Y11 फ़ोन है, तो आइए हम इसका पैटर्न लॉक तोड़ते हैं। तो इसके लिए पहले मुझे इसको खोल लेना पड़ेगा, इसका बैक साइड, और इसका बैटरी का जो कनेक्टर है उसको निकाल लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बैटरी कनेक्टर के ठीक नीचे ये दो EDL पॉइंट है, तो इसको शॉर्ट करके हम लोग इसका पोर्ट हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो आइए पहले कंप्यूटर में हम लोग UMT डोंगल कनेक्ट करके QC फायर टूल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मॉडल सिलेक्ट करेंगे, पहले वीवो, उसके बाद मॉडल सिलेक्ट करेंगे वीवो Y11। तो अभी हम लोग वीवो FRP में क्लिक करेंगे और फ़ोन को EDL मोड में शॉर्ट करेंगे, EDL पिन शॉर्ट करेंगे और USB केबल कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा फ़ोन का फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। हमारा प्रोसेस हो गया है, ये देखिए फिनिश हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका USB खोलेंगे, बैटरी को फिर से कनेक्ट करेंगे और मोबाइल को हम लोग इसको डायरेक्टली ऑन नहीं करेंगे, पहले इसका फैक्ट्री रीसेट करेंगे। कैसे करेंगे, हम लोग वॉल्यूम डाउन और पावर बटन एक साथ प्रेस करेंगे और जब हमारा फ़ोन ऑन होगा उसके बाद हम पावर बटन छोड़ देंगे और वॉल्यूम डाउन की हमको पकड़े रहना है जब तक हमारा प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है। तो मेरे पास अभी फ़ोन पकड़ने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर। हम लोगों का रिकवरी मोड आ गया, और सॉरी मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया था, हम लोग को वॉल्यूम अप की और पावर बटन प्रेस करना है। उसके बाद थोड़ी जब फ़ोन ऑन होगा तो हमको पावर बटन छोड़ देना है, तब ये ऐसा मोड आएगा, रिकवरी मोड ऑप्शन आएगा, तो हमको रिकवरी वॉल्यूम डाउन प्रेस करके रिकवरी में जाना पड़ेगा। तो ये रिकवरी सिलेक्ट हो गया, अभी हम लोग पावर बटन प्रेस करके सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए रिकवरी मोड में आ गया अभी फ़ोन। तो ये रिकवरी होने के लिए लगभग 4 से 5 मिनट हमको लगेंगे, तो उसके बाद हमारा फ़ोन चालू हो जाएगा। तो मैं थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसीलिए ये प्रोसेस मैं स्किप कर लेता हूँ। ये देखिए आ गया, अभी हम लोग को क्लियर डाटा करना है, क्लियर ऑल डाटा कर लिया हम लोगों ने, उसके बाद ओके। ये देखिए हम लोग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो ये प्रोसेस ख़त्म होने के बाद मोबाइल को ऑन होने तक लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे। मैं अभी वीडियो को थोड़ा स्किप कर लेता हूँ, इसको मैन्युअली क्लियर डाटा कर लिया है। अभी थोड़ी देर के बाद मोबाइल ऑन होगा, ये देखते हैं। प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है,
अभी हम फ़ोन को सेटअप कर लेंगे। यह हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार मॉडल दिखा देता हूँ। ये देखिए वीवो 1906। तो आप लोगों ने देखा हमने वीवो Y11 फ़ोन का पैटर्न लॉक कैसे अनलॉक किया। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।